लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बीवी की याद में इस कदर तड़प रहा था शख्स, सेना का विमान चुराकर हो गया फरार। और फिर नई दिल्ली, मामला मई 1969 का है। उन दिनों पूरी दुनिया शीत युद्ध के कहर में जागती सोती थी। अमेरिकी वायु सेना में मैकेनिक के पद पर कार्यरत पॉल मेयर 23 की ड्यूटी इंग्लैंड के यूएसएफ बेस पर थी। यहाँ पॉल का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वे अपनी बीवी और सौतेले बच्चों की याद में बेचैन हुए जा रहे थे। यही वजह थी कि पॉल एक पार्टी में गए, जहाँ उन्होंने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली। नशे में धुत होने के बाद पॉल काफी उग्र हो गए थे। पार्टी से बाहर आने के बाद पुलिस ने नशे में धुत पॉल के गलत व्यवहार की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पॉल के दिमाग में सिर्फ पत्नी और बच्चों के ही ख्याल आ रहे थे, जिसके बाद पॉल ने कैप्टन इपस्टन बनकर एक एयरक्राफ्ट कोऑर्डिनेटर को कॉल करते हुए हरक्यूलेस C-130 विमान की मांग की। पॉल ने एयरक्राफ्ट कोऑर्डिनेटर से कहा कि वे विमान में इतना ईंधन भर दें जिससे आसानी से अमेरिका पहुंचा जा सके। कैप्टन इपस्टन एक वरिष्ठ अधिकारी थे, लिहाजा एयरक्राफ्ट कोऑर्डिनेटर ने बिना किसी सवाल जवाब किए हरक्यूलेस C-130 विमान अरेंज कर दिया, जिसके बाद पॉल विमान में सवार होकर वहां से फरार हो गए। उस वक्त 23 मई की सुबह के 5:10 बजे थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि पॉल को विमान उड़ाना भी नहीं आता था। लेकिन कुछ देर बाद पॉल का हरक्यूलेस C-130 विमान रडार से लापता हो गया। जानकारी के मुताबिक पॉल ने पूरे वाक्य से कुछ दिन पहले ही वर्जीनिया में ट्रांसफर कराने के लिए लेटर लिखा था, जिसे खारिज कर दिया गया था। बता दें कि हरक्यूलेस C-130 विमान बेहद ही भारी भरकम विमान है, जिसका वजन करीब 60 टन से भी ज्यादा होता है। रडार से गायब होने के बाद पॉल का कोई अता पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद अल्डरनी द्वीप के पास से हरक्यूलेस C-130 विमान का मलबा पाया गया, लेकिन अमेरिकी वायुसेना के मैकेनिक पॉल की बॉडी आज तक नहीं मिली। इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि विमान क्रैश होने की वजह क्या थी।